अरुणाचल प्रदेश तवांग रे भारत चीन सैनिकों मध्य डिसेंबर 9 रे धस्ताधस्ती घटना परे प्रथम थर नॉर्थ ईस्ट गस्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार मेघालय राजधानी शिलंग में आयोजित नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल सुवर्ण जयंती समारोह जोग देते पीएम यह पर पीएम मोदी त्रिपुरा राजधानी अगरतला रोड शो करते त्रिपुरा पर पीएम मोदी 4,250 कोटी विभिन्न उन्नतिमूलक प्रकल्प उद्घाटन और भित्तिप्रस्तर स्थापन करते देशर सीमा को नहीं बिवाद नुहे या विकास करिडर कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेघालय सिलिंग में आयोजित शिलंग में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल सुवर्ण जयंती समारोह में जोगदे मोदी आगर सीमार निर्माण कम होता एवं कितु भित्तिभूमि निर्माण कम चली उत्तर पूर्व सीमा देशर शेष नुहे बर समृद्धि को गेटवे मोदी वर्णना कर उद्बोधन दे प्रधानमंत्री सुंदर उदाहरण रखिंट फुटबल खेल में कई फाउल मारे कि खेला नैतिकतार विरुद्धाचरण कले रेड कार्ड दिया जाए से गत 8 वर्ष में आम स्वल्प विकास दुर्नीति राजनैतिक पक्षपातिता और अस्थिरता को रेड कार्ड देखु उत्तर पूर्व 6,000 मोबाइल टावर निर्माण होगा केन्द्र सरकार 5,000 कोटी टंका व्यय करेंगे से घोषणा करते मंच पर इशारा पीएम मोदी कांग्रेस को टार्गेट करते कहते पूर्व सरकार भावुले जदि सीमा निर्माण कम कराए तेज शत्रु फायदा देव ए विकास नॉर्थ ईस्ट पूर्व सरकार भावना नाला विभाजनकारी बोली से कहते जितेबाला चिंता करते नॉर्थ ईस्ट रो जदि विकास होती कौटना कौटी एर शत्रु राष्ट्र जो पड़ोसी राष्ट्र जो मैंने रही फायदा हो अनुमान करते कि बर्तमान सेमती किसी ना बर्तमान पूरा 4,350 कोटी पैकेज घोषणा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भित्तिप्रस्तर स्थापन कर दुईट भिन्न भिन्न पूर्वोत्तर सीमा अच्छे समृद्ध गेटवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश सीमा विकास करिडर मोटामोटी देखा गले बर्तमान पूरा फोकस नॉर्थ ईस्ट सरकार फोकस रही कहे कि अत्युक्ति हम ना और पूर्वोत्तर सीमा दिए समृद्ध गेटवे से कहते देशर सीमा विकास करिडर बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेरे रविवार मेघालय राजधानी शिलंग में मेघालय परंपरागत बेसर जो पोशाक था से नजर आसते प्रधानमंत्री मोदी और समस्ते देखिए उत्साहित होते बेस उत्साहित होते प्रधानमंत्री मोदी एक गेटअप देखिए तेरे सरकार एवं लुक ईस्ट नीति आक्ट ईस्ट नीति काम कर सरकार नीति रही आक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट माने सब उन्नतिमूलक काम यथाशीघ्र आक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट मतलब प्रथम प्रायोरिटी दि जाओ प्रारंभिक भितर प्राथमिकता भितर दि जाओ टे तथ्य मतलब बुझे चेस्टा करवा कौन कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहीं कही प्रधानमंत्री तवांग बिवाद पर नॉर्थ ईस्ट को पीएम मोदी प्रथम गस्त ये हूँ प्रधानमंत्री प्रथम सीमा बिवाद पर मेघालय पारंपरिक बेस नजर आसते पीएम मोदी तवांग बिवाद पर प्रथम भिजिट आसंता वर्ष निर्वाचन पूर्व मेघालय और त्रिपुरा पर पैकेज घोषणा कर बड़ पैकेज देते प्रधानमंत्री 6,800 कोटी विभिन्न उन्नतिमूलक प्रकल्प उद्घाटन और भित्तिप्रस्तर स्थापन करते मेघालय रही 2,450 कोटी पैकेज रही मेघालय पर केवल 2,450 कोटी टकर पैकेज और त्रिपुरा पर 4,350 कोटी पैकेज घोषणा करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेघालय पर त्रिपुरा पर सामाजिक भित्तिभूमि को सुदृढ़ करवा आम लक्ष्य पीएम मोदी एक कहते सामाजिक भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने लक्ष्य रही इशारा इशारा कांग्रेस को टारगेट करने को भूल नाते प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस को सीधा सीधा शुणे पूर्व सरकार नीति थिला विभाजनकारी डिवाइड एंड रूल नीति थिला पूर्व सरकार एक प्रधानमंत्री आमर नीति डिवाइन बोली पीएम मोदी माने सात्विक पवित्र डिवाइन बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कथा कहते तेज गुजरात हिमाचल पर मेघालय और त्रिपुरा रे बाजिला निर्वाचन बिगोल दुमास दुई राज्य जाऊँगी विधानसभा निर्वाचन या पूर्व भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आसी जाइए निर्वाचन मोड को खोद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिगुल धरी बिगुल फुंकी रविवार भारतीय जनता पार्टी पर निर्वाचन बिगुल फुंकी प्रधानमंत्री देखते रिपोर्ट गुजरात हिमाचल परे एबे मेघालय और त्रिपुरा रे बाजिला निर्वाचन बिगुल दुई मास परे दुई राज्य विधानसभा निर्वाचन या पूर्व बीजेपी आसी जाइछि निर्वाचन मोड खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसी फ्रंट रविवार भारतीय जनता पार्टी पर निर्वाचन बिगुल फुंकी पीएम गुजरात में प्रचंड विजय और हिमाचल में पराजय पर बीजेपी मेघालय और त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन खूब सीरीयस भाव नहीं परिप्रेक्षी में पीएम मोदी दुईदिनिया गस्तर नॉर्थ ईस्ट स्टेट को शिलंग में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल 50वां वार्षिक उत्सव में प्रधानमंत्री मोदी सामिल हो विकास गाथा गायन कार्यक्रम को पीएम मोदी पारंपरिक पोशाक पहनी पहुंचा साधारण जनता को खूब उत्साहित कर अवसर में शिलंग में आयोजित जनसभा को संबोधित कर चीन रो ना नई तेरछा बाण छाड़ी पीएम मोदी कहते
फुटबल रे जदि केही खेलाडी खेल भावना नै नखेले तबे तांको रेड कार्ड देखाई बाहर को काढि दिया जाय। सेबेले गत 8 वर्ष रे नॉर्थ ईस्ट विकास रे बाधक साजिथिबा शक्ति मध्य रेड कार्ड देखाई काढि दिया जाय छे। भ्रष्टाचार पक्षपात भाई भतीजावाद हिंसा करथिबा शक्ति रोकिबा को पूरा दम रे उद्यम होई छे फले नॉर्थ ईस्ट विकास धारा रे शामिल होई परिछे। हम सबको मालूम है कि फुटबॉल में अगर कोई खेल भावना के विरुद्ध स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ अगर कोई भी व्यवहार करता है तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। इसी तरह पिछले 8 वर्षों में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़ी अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिखा दिया है। यह अवसर पीएम मोदी देशर प्रथम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उद्घाटन करछन्ति। फीफा वर्ल्ड कप एबे कतार रे चली छि, मैदान रे विदेशी टीम खेल देखाउछन्ति, किंतु मोर विश्वास भारत मध्ये खेल रे शामिल हेबो। एबले कार्यक्रम मध्ये भारत आयोजन करिव। केन्द्र सरकार का प्राथमिकता बदली जाइछि, एर प्रभाव मध्ये देखिबा को मिलिछि। यह अवसर में पुराना सरकार रो कार्यकाल को टारगेट करिबा को बोली नांति मोदी। हमारी कार्य संस्कृति आया। आज शिलोंग से मैं ये कह सकता हूं कि आज भले ही हमारी नजर कतर में चल रहे खेल पर है, मैदान में विदेशी टीम है उन पर है, लेकिन मुझे मेरे देश की युवा शक्ति पर भरोसा है। इसलिए विश्वास से कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब हम भारत में ऐसा ही उत्सव मनाएंगे और तिरंगे के लिए चीयर करेंगे। सेबे कार्यक्रम में जोगदे केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह पीएम मोदी का नॉर्थ ईस्ट फोकस संपर्क में उल्लेख करते हैं। संपूर्ण नॉर्थ ईस्ट विकास लगी पीएम मोदी प्रतिश्रुतिबद्ध, एथिपे रोड मैप प्रस्तुत हो गत 8 वर्ष में 50 थर प्रधानमंत्री मोदी अंचल को आसी पूर्व नॉर्थ ईस्ट चित्र जहां थी से पूरा परिवर्तन घटी। मोदी सरकार अमल में नॉर्थ ईस्ट उग्रवाद हटी और विकास धारा जोड़ी होती नॉर्थ ईस्ट। 60% आसाम एवं एफएसपीए मुक्त हो मणिपुर 6 जिले में 15 थाना एफएसपीए मुक्त हो। अरुणाचल प्रदेश एकमात्र जिले में एफएसपीए लागू हो। मेघालय और त्रिपुरा में संपूर्ण भाव एफएसपीए आईन अप्रत्याशित हो। अब सपा को हटाने के लिए ढेर सारी डिमांड आती थी, अब किसी ने डिमांड नहीं करनी पड़ती है। भारत सरकार 2 कदम आगे बढ़कर अब सपा हटाने के लिए इनिशिएटिव ले रही है। आज आसाम के 60% क्षेत्र अब सपा मुक्त हुए हैं। मणिपुर के 6 जिलों के 15 पुलिस स्टेशन को बाहर कर दिया गया है। अरुणाचल में 1 ही जिला बाकी बचा है। नागालैंड में 7 जिले मुक्त कर दिए गए हैं और त्रिपुरा और मेघालय पूर्णतया मुक्त हो चुका है। मेघालय पर प्रधानमंत्री मोदी त्रिपुरा गस्त कर अगरतला स्वामी विवेकानंद मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते केन्द्र सरकार का विभिन्न विकासमूलक कार्य संपर्क में गुरुत्वारोप करते। अवसर में 4,350 कोटी टंकार प्रकल्प उद्घाटन करते मोदी आवास कृषि दूरसंचार आईटी पर्यटन भाई क्षेत्र में विकास लगे प्रकल्प काम कर 2 मास पर मेघालय और त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन को दृष्टि रखि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कोर कमिटी बैठक में जोगदेवार कार्यक्रम रही। बैठक में आगामी विधानसभा निर्वाचन लगी बीजेपी तार रणनीति प्रस्तुत कर। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 7। आगुक नॉर्थ ईस्ट रो इलेक्शन आसुचे ता पूर्वरो प्रधानमंत्री मोदी एभली पैकेज घोषणा एवं एभली विराट रैली निश्चित भाव विरोधी होशावा सोड़ी टे तथ्य मात्र बुझे चेस्टा करवा जे प्रधानमंत्री बिगुल फुकिल बोली कहीं कहु। मेघालय त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन लगी बाजिला बिगुल बाजी सारी दुई राज्य राजधानी भारतीय जनता पार्टी बिगुल फुंकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी सरकार विकासमूलक काम को आधार कर लोकों पाक बीजेपी 8 वर्ष भितर नॉर्थ ईस्ट रे विकास को प्रसंग कर निर्वाचन लड़ब बीजेपी। त्रिपुरा रे दलर गोष्ठी कंदल रोकने को नहीं चरम बाणी शुणाई शेष नेतृत्व
दिल्ली में एने गत 11 तारीख में बैठक होता और नेक्स्ट इलेक्शन जो आसू आगामी निर्वाचन लगी बीजेपी रणनीति प्रस्तुत कर रणनीति अनुसार त्रिपुरा रे ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस टक्कर देवा सजवाज ये हूँ आउ गोटे कथा टीएमसी त्रिपुरा रे प्रस्तुति करुच्छे जे बीजेपी को टक्कर देवाई आग को कौन स्थिति होता तो समय कह किए क्या टक्कर देखिए और किए बाजिमात करुच्छी लोके पसंद करुँच त्रिपुरा नर्थ ईस्ट लोके भोट दौर ता तो आगे समय कह।